गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं छत आई हूँ कपड़ा लेने के लिए छत से, क्योंकि बहुत पहले ही सुखा कर रखी थी और उमस भरा धूप है आज। ऐसे धूप कड़क नहीं है, उमस भरा धूप है तो सूख गया है कपड़ा। और मैं लंच भी तैयार कर रही थी उधर, और कपड़ा जब सूख गया तो लेने आई। आज भी देखिए ना, शैम्पू नहीं हो पाया, बहुत ख़राब लग रहा है मुझे। फिर सोच रही थी ना आज वीडियो नहीं करूँगी, ऐसा लग रहा है। धूप के लिए वाला डाली हूँ दुपट्टा को, और सोच रही थी कि आज ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, छोड़ दो। फिर लगा चलो भाई, ये तो मेरा डेली रूटीन है, मैं जैसी दिखूंगी जो करूंगी वो। दूसरा दिन कोई बहुत अच्छा नहीं लगती हूँ, फिर भी क्या होता है ना कि चिपचिपा वाल में हम लोग बाहर जैसे नहीं जाते हैं, वैसे किसी के सामने आना अच्छा नहीं लगता है। पर मैं आज बहुत ज़्यादा छींक रही थी, बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसी वजह से आज भी नहीं की। तो देखती हूँ कल हो पाएगा। तो आज वेडनेसडे है और अभी 1 बज चुका है, तो लंच भी तैयार नहीं हुआ है। मटन आया है, साथ में मशरूम आया है, तो मशरूम को फ्राई करके रख दी, अभी नहीं बनाऊंगी। और मटन तैयार कर रही हूँ, अभी अभी कुछ टाइम पहले ही चढ़ाई हूँ मटन को, और चावल भी बनने को है। अभी से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर दी, आप लोग वीडियो में बने रहिए। आज का ब्लॉग में क्या है आप लोग को आगे आगे देखने को मिलेगा। तो अभी से मैं क्या क्या कर रही हूँ, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। और जैसे पहले बताती हूँ हमेशा की तरह, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे कि मेरा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। और वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर से लाइक कीजिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे सबका सपोर्ट और प्यार मिल सके। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। मैं छत से कपड़ा लेके यहाँ से जाती हूँ, बना ये उमस भरा धूप, बहुत तकलीफ़ है, सूख चुका है सारा कपड़ा, क्योंकि कड़क धूप नहीं है जैसे। आज थोड़ा ज़्यादा भी कपड़ा हो गया, क्योंकि बेडशीट वगैरह धोना था, साथ में इनका ट्राउज़र वगैरह भी मुझे धोना था, इस वजह से जिस दिन ये सब कपड़ा होता है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए ले लेती हूँ, एक हाथ में नहीं हो रहा है। बस ले ली एक दो कपड़ा जो है मोटा वाला, कमर जगह नहीं सूखा है, तो इसको लेके फिर नीचे वाला तार में दे दूँगी। और आज मटन में मेरी बेटी को खाना था हांडी मटन, तो फिर वो तो नहीं बना पाई हांडी मटन, क्योंकि बहुत लेट चढ़ाई, तो जैसे नॉर्मल हम लोग का देसी स्टाइल बनता है वैसे बना रही हूँ। तो चलिए चल करके नीचे देखते हैं क्या बनाते हैं कैसे। यहाँ पर चावल बन चुका है और मटन है यहाँ पर, ये देखिए देसी स्टाइल मटन, जो कि मैं इसका रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग अगर देखना चाहते हैं देसी जो गांव में बनाते हैं जिस तरह का, मुझे तो काफ़ी पसंद है, तो वो वाला वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो वो मैं दे दी हूँ, आप लोग चेक करके देख सकते हैं, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसका ग्रेवी बनेगा, पर मुझे इससे पहले इसका थोड़ा सा भुना हुआ निकालना पड़ेगा दोनों के लिए, क्योंकि दोनों को भुना हुआ मटन भी बहुत पसंद है, मतलब भुना हुआ मीट, वो चाहे चिकन हो या मटन। तो ये देखिए, ये अभी 70-80% पक चुका है, मतलब थोड़ा सा पकाना है मुझे इसको, क्योंकि इसमें मुझे आलू भी देना है, क्योंकि आलू के बिना मुझे गांव स्टाइल जो मटन बनता है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, चावल में खासकर मुझे आलू चाहिए ही। तो यहाँ पर मैं फ्राई करके रखी हूँ आलू को ढककर। चलिए दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं, दोनों खाएँ। फिर इसमें मैं गर्म पानी दे दूँगी और ग्रेवी बनाना है। इतना सारा कपड़ा है, मुझे ना बहुत बोरिंग फील होता है कपड़ा फोल्ड करना, पर मुझे इतना सारा कपड़ा भी फोल्ड करना है। और यहाँ पर देखिए मेरी बेटी खेल रही थी, तो दोनों को सुला कर गई है, पता नहीं कहाँ चली गई, देखना पड़ेगा कि वो दोनों कहाँ पर हैं। तो पहले यहाँ पर से जितना हो सके अभी कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ, और वहाँ पर मीट चढ़ा कर आई हूँ यहाँ पर। ये लीजिए, अच्छा कल दिखा कर थैंक यू बोलिए। शक्ल नहीं दिख रहा है। नहीं, आधा दिख रहा था अभी, थैंक यू। तुम कुछ बोलना चाहोगी? मुझे कुछ मिला ही नहीं है। तुम गर्म है ना, इसीलिए हाँ, पापा के पास पापा खिला देंगे। तो दोनों क्या कर रहे थे यहाँ पर बोलिए, किस बात का? तो एक चीज पूछना था, कौन कौन नहाए हो कौन नहीं नहाए हो? नहा चुकी हूं। तो हेयर में ऑयल लगाए हो? लगा दूँ, क्योंकि चिपचिपा दिख रहे हो ऐसे में भी। दोनों मेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ। मेरा ही कर रहे थे ना? नहीं, झूठे। खाओ खाओ, कैसा बना है? तो कितना पका है बोलिए,
और मुझे कितना सीटी लगाऊं कि नहीं लगाऊं? बड़ा वाला खांसी था, एकदम बड़ा खांसी। तो आती हूँ तेल लेकर, है ना, मेरा आधा कपड़ा फोल्ड किया हुआ है, फिर चलती हूँ, कपड़ा फोल्ड करूँगी फिर आऊँगी। तो ये ठीक है ना? अभी और इंतजार खत्म हो गया। छी 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 छी, नहीं मुझे नहीं, यहाँ पर देखिए मेरी बेटी क्या कर रही है, कितना काम करती है, कितना हेल्प करती है मुझे। तो हम लोग जब भी खाने बैठते हैं पानी भरने का जिम्मेदारी उसका है हमेशा। मैं तुमको जबरदस्ती काम कराती हूँ ना, ना। हाँ, अत्याचार करती हूँ तुम्हारे ऊपर, इसको मैं अत्याचार करती हूँ। वैसे नहीं बोला जाता है। तो कैसे बोला जाता है बोलो ना, कैसे? ड्यूटी है ना। हाँ, लाइट ऑन करते हैं, ड्यूटी है। कितना बोतल पानी भरती हो रोज? क्या कर रही हो उधर? ये वाला बोतल में भरोगी पानी? भरो, उस रूम में दो ठो रखा हुआ है। और मुझे अभी किचन को साफ करना है, क्योंकि जब भी आप खाना बनाओ ना, किचन का हालत इतना खराब हो जाता है। मटन तुमको पसंद है तो खाती क्यों हो? टेस्टी लगता है। तो पसंद नहीं मतलब उसका गीलापन है। ऐसा नहीं होता है, वो थोड़ा रिच होता है, तो ये बोलती है कि उसको खाने के बाद फिर उल्टी लगता है, पर खा तो जाती हो ना। तो अभी वो पानी भर ले, हम लोग का भी रेडी हो गया लंच, अभी हम लोग बैठे बैठे लंच करेंगे। one, two. काम बढ़ाई, देखिए पानी गिरा यहाँ पर। मुझे एक चीज दिखाना है आप लोग को, देखिए ये देखिए, फिल्टर में ही बन गया है ऐसा घर। ये सब कीड़ा ना घर बना देता है, तो फिर मैं नहीं तोड़ पा रही हूँ लग का घर, तो मैं फिल्टर भी साफ नहीं कर पा रही हूँ। आज 15 days हो गया, और बारिश में हर वीक मैं करती हूँ, पर आज 15 days हो गया मैं ये लोग की वजह से। साफ करेगी तब ये लोग का बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ, बोल रहे तोड़ दो। थोड़ी शोभा देता है किसी का भी घर हो, चाहे वो कीड़ा का हो या फिर इंसान का हो, मकोड़ा का हो। इधर से पार हो, देखिए क्या करूँ, आप लोग कुछ मुझे सजेस्ट कीजिए, क्या करूँ। बर्बाद मत करो, रख दो। नहाया होने से क्या हुआ? फ्रेश लग रहा है। इसका सिर में क्या है, जू? नहीं, ये तो दिख रहा है। नहीं, ये उसका बाल। टगलू राम मत बोलियो उसे, बचपन उसका मुंह दिखा। इसका नहीं इसका बड़ा टगलू। ये तो मेरा गिफ्ट अनबॉक्सिंग में तो देखे ही होंगे सबको। उसका बाल देखिए ना, पूरा चूहा कुतर दिया है। अरे बाबरे, फिर वो लोग को बेबी पाउडर भी लगेगा। बर्बाद मत करो ये सब, ये लोग भी तो बेबी हैं। सच में नंदनी, बर्बाद मत करो। अच्छा, फिर पाउडर लगा रही है दोनों को, ये पाउडर लगाने से ये लोग और भद्दे दिखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, सच में अच्छा नहीं लगेगा। चलो आइस क्लोज कर लो। खेल रही है दोपहर भर, आजकल कर रही है कि दिन को सो नहीं रही है। मैं आ जाती हूँ ऐसे अपना रूम को पूरा आराम से ये करके। अभी आजकल और कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है, बस पंखा ही काफ़ी है, तो फिर पंखे से ऑन करके मैं सो जाती हूँ,
और वो खेलती रहती है। फिर 4 या 4:30 बजे मुझे बोलेगी, मामा मुझे साइकिलिंग करने के लिए जाना है। तो उस टाइम कभी कभी उठती हूँ, कभी कभार नहीं उठती हूँ। कल उठी नहीं उठी ना? डांटी चली हाँ अब डांट ली। हाँ डांटेंगे नहीं, ये 3:30 बजा था तभी से बोल रही है मुझे खेलने जाना है, खेलने जाना है। और धूप नहीं था तो उसको लग रहा है कि शाम होने जा रहा है। तो मैं उसको बोली घड़ी देखो, तो बोली 4:30। 4:30 नहीं हुआ था ना, 4:15 हुआ था, 4:20 हुआ था तभी से। एक तो सही समय होता है कि नहीं होता है। तो वो अभी खेल रही है ये सब, तो मैं सो जाऊंगी। चलो तो आज का ब्लॉग यहीं तक, नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ मिलेंगे। किस बात का वेट? हैप्पी प्रतीक जा बाय बाय बोल के अच्छा आओ। बाय बाय, आओ आओ मिला बेटा, आओ। इस पे मुझे ज़्यादा प्यार है, इसको ये मेरा दिखाओ, अच्छा बेटा है। ये भी अच्छा ही बेटा है। उसको दिखा, जा उसको दिखा। प्रतीक, इसका नाम प्रतीक ना, प्रतीक। प्रतीक इसके सामने मैं कितना काली दिख रही हूँ, इतना गोरा गोरा बच्चा है। जो लाइट ऑन करो तो ये देखिए, लाइट ऑन कर देने के बाद फिर मैं थोड़ा दिखी, वरना ये दोनों के सामने तो मुझे दिख भी नहीं रही थी। बोला अच्छा बच्चा है दोनों, तो दोनों को लेकर सोऊंगी और वो अभी तक खेलती रहे। अभी पूजा करना है, आओ फिर पूजा कहाँ करने जाएगा ये? जाना है ये लोग को। और क्रीम पाउडर लगा के भूत ना बन जाए देखना। आज बर्तन भी नहीं धोई क्योंकि पूरा चिपचिपा सा बर्तन था, तो फिर मुझे लगा कि चलो ये सबको गर्म पानी से वॉश करना पड़ेगा। तो अभी रख दी, जैसे ही 4:30 बजे चलो उठूँगी रेस्ट लेके फिर धोने जाऊँगी। मम्मी 4 4:30 में नहीं उठती है, 5 बजे उठती है। हाँ तो वो जानबूझ कर नहीं उठती हूँ, धूप रहता है तभी जाके मैं जानबूझ कर हाँ तो क्या करूँगी उठ के, काम जब ख़त्म हो जाता है और दिन भर बर्तन बर्तन धो के सोई रहती हूँ, तो फिर 5 बजे से ये पहले उठ के। सच्चाई है मम्मी का। ये सच्चाई है मम्मी का। तो मम्मी चलो कितना काम करती है, तुम थोड़ी कुछ करती हो, तुमको क्या पता चले। मैं रोज़ बर्तन धो के ही रेस्ट लेने आती थी, तो फिर क्या होता है कि 3 3:30 बज जाता है, तो 1.5 घंटा तो रेस्ट लेना बनता है ना। बस और इनको भी कोई हड़बड़ी नहीं रहता है कि उठो फिर चाय बनाओ, तो मैं जब उठती हूँ उनको चाय बना कर देती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक, नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ मिलूँगी। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। चलो बाय पूजा कर बोलो उधर लो, से, बाय बोलो। बाय बाय। पाउडर फिर लेके के रखी हाथ में, चलो ओम विष्णु, बस पूजा करवा रही ओम है। देखिए विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु। बाय बाय।